अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको टेक्निकल ट्यूशन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा कि हम अपने परफेक्ट मनी का जो फंड है या डॉलर्स हैं, हम उसको अपने पाकिस्तान के जो बैंक हैं, हबीब बैंक या कोई भी बैंक HBL, आप उसमें अपने ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं उस फंड्स को, पैसों को, या आप कुछ भी कह लें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार आए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मेरी बेटर फ्रेंड, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जिस वेबसाइट का नाम, उसका नाम है जी एयरटेम। पिछली दो वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको एयरटेम के बारे में बताया था कि हम आप उसके अपने फंड्स या परफेक्ट मनी से इजी पैसा या जैज कैश में कैश ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप वो वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप उसको आई बटन में भी मिल जाएंगे या एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे, आप मेरे चैनल में वैसे जाकर देख सकते हैं। तो इसके लिए ये मैं आपको, अगर आप पहली बार लाइक मेरे चैनल पर आए हैं या अगर आपने पिछली दो वीडियोस नहीं देखी, तो मैं इसके बारे में बता दूं, ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है एयरटेम, और इसमें आपके किसी भी तरह का स्कैम नहीं होगा, इसकी इस बात की गारंटी आप मैं आपको दे सकता हूँ। तो इसको मैंने आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी लिंक से नीचे दिए गए लिंक से आप उसको ज्वाइन करते हैं तो आप इसको इधर से $2 का बोनस भी दिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो आप इस वीडियो को पहले देख लें, फिर आप इसको वेबसाइट को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने $2 का बोनस है जो वो क्लेम कर सकते हैं। तो जैसे आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे जो आपको इस वीडियो के नीचे दी जाएगी, तो आप इधर से क्रिएट एन अकाउंट साइन अप वाले सेक्शन में चले जाएंगे या इधर से साइन अप में आ जाएंगे। तो इधर से आप अपना अकाउंट टाइप चूज़ कर सकते हैं, आप कौन सा अकाउंट बनाना चाहते हैं। उसके बाद अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे और अपनी ईमेल पासवर्ड फुल नेम लास्ट नेम, और इसको करने के बाद आप इसको वेरीफाई कर देते हैं, तो इसके बाद आपका अकाउंट बन जाता है। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी देर से अकाउंट बनाया हुआ है, मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ अपने अकाउंट को, और मेरा अकाउंट वेरीफाइड है। अच्छा, मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूँगी, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको सिंपली अपना आईडी कार्ड, पासपोर्ट या जो एक होता है ड्राइविंग लाइसेंस, आप उसको अपलोड कर सकते हैं और इधर से अपना अकाउंट वेरीफाई करा सकते हैं। तो देखते हैं जी, मैंने अपने इधर से वेरीफाई करा दिया। अगर आपको वेरीफाई करते हैं तो आपको प्रोफाइल के साथ इधर से ग्रीन टिक लग जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, आप लाइक $25,000 तक आप रोज़ाना इससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और अगर आप वेरीफाई नहीं करते तो आप $1,000 इधर से कर सकते हैं। कोई मसला आ रहा है, आपको अकाउंट नहीं बनाना रहा, कोई इशू आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो इधर से हम अपने जाते हैं ऐड फंड के बटन पर क्लिक करते हैं, और इधर से हम सबसे पहले अपना जो ऐड फंड करेंगे हम किससे करना चाहते हैं, तो इधर से हम परफेक्ट मनी में करना चाहते हैं। मेरे पास अभी बैलेंस कोई भी नहीं है, कोई डॉलर नहीं पड़े हुए, मैंने इधर से पहले ट्रांजेक्शन कर लिया तो उसके लिए सॉरी। तो मैं इधर से परफेक्ट मनी सेलेक्ट करता हूँ, और परफेक्ट मनी सेलेक्ट करने के बाद आपने इधर से ये देखें, आप उससे पूछ रहे हैं कि आपने कितने डॉलर्स आपने परफेक्ट मनी से लेने हैं और इसमें कितने आपको रिसीव होंगे। लाइक इधर से किसी थोड़ी सी फीस होती है $2-3, तो वो आपको देनी पड़ेगी $2-3 की। खैर, आपको पेमेंट सही तरीके से लाइक आपको ट्रस्टेड रिसीव हो जाए तो और क्या चाहिए आपको। तो अच्छा, इससे इस तरह आप कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है जी, मैं $103 करना चाहता हूँ। इसके बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद आपने इधर से अपना अकाउंट नंबर लिखना है। अकाउंट नंबर कौन सा है, ये वाला अकाउंट लिखा है। आप अगर आपके इसमें दूसरे इन वॉलेट्स में पड़े हैं आपके, तो आप उसका अकाउंट भी इधर से लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपने सबमिट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक कर देनी है। तो मैं इसको बैक कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको अपना खतरा नहीं करना चाहता, ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहता। तो उसको आप जब नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपको कोई वो जो है ना एयरटेल की वेबसाइट है, इसका काम यही है कि वो कोई ऐसा बंदा ढूंढ के देती है जो कि आपको लाइक वो अपने परफेक्ट मनी में डॉलर रिसीव करना चाहता है और एयरटेल से लेना चाहता है, तो इस तरह लाइक विड्रा करना चाहता है। तो इधर से काफ़ी सारे इनके थाउजेंड से लाइक अगर आप कह लेंगे लाख ऑफिस के लाख ऑफ कस्टमर हैं, तो ये झूठ नहीं होगा, इनके काफ़ी इतने सारे कस्टमर, अगर आप कोई भी लगाते हैं इधर से विड्रॉल के लिए, तो वो 2-3 मिनट्स में आपको कोई बंदा ढूंढ के दे देगा। तो उस आप क्या करेंगे, आप अपने परफेक्ट मनी अकाउंट में जाएंगे और वो जैसे वॉलेट आईडी देगा, आप उसको सेंड कर देंगे। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, आपके साथ किसी भी तरह का स्कैम नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। तो आप उसको सेंड मनी कर देंगे, और जब वो सेंड मनी कर देंगे
तो इधर से आपको ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएंगे या बंदा वो एक्सेप्ट करेगा। अगर ना भी करेगा तो आप इसको दिखा सकते हैं ट्रांजेक्शन आईडी की, ये देखें जो मैंने इसको सेंड कर दिए हैं, तो आप काइंडली मुझे सेंड कर दें एयरटर्म, तो ये ऑटोमेटिकली आपको सेंड कर देगा। आपको किसी भी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। अगर कोई इशू आता है, कोई भी इशू आता है, तो आपने मुझे कॉन्टैक्ट ज़रूर करना है, तो हम इधर से इसका लाइक सोल्यूशन निकाल लेंगे। वैसे कोई भी नहीं आएगा, मैं आपको इसकी बात की गारंटी देता हूँ। ये देखें, मैंने आपको हिस्ट्री में दिखा देता हूँ रिसेंट एक्टिविटी में, तो ये देखें मैंने इधर से ये ट्रांजेक्शन वगैरह की हुई हैं, आप देख भी सकते हैं। तो इसके बाद आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो मैंने पिछली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने बनाया था, अगर आपने वो देखी है तो आपको पता होगा मैंने इसको कैंसिल किया था। तो इस तरह आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा, इधर मेन बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद आपने जाना है विड्रा के बटन पर, ऊपर क्लिक कर देना है सिंपल, और इधर से आपने इधर से सेट कर लेना है कौन सा पेमेंट मेथड हम जी करेंगे। बैंक देखेंगे, ऑटोमेटिक आ रहा है बैंक के करना चाहते हैं। इधर से आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस बैंक में अपनी विड्रा लेना चाहते हैं। तो इधर से देखें जी, ये इसने सारे बैंक दिए हुए हैं। इधर से आप अपना बैंक ढूंढ सकते हैं, इधर हम सर्च भी कर सकते हैं पाकिस्तान जी, पाकिस्तान बैंक मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। देखें इस तरह आपके पास आ जाएगा, और इधर से आपको पूछेगा जी आपने कितने निकालने हैं, तो हम कहेंगे जी $100 निकाल दो। इसके बाद आपको कंटिन्यू करेंगे, तो आपसे ये आपके बैंक की डिटेल पूछेगा, आपने जो अपना अकाउंट नंबर होता है या जो भी आई बैन नंबर, वो इधर से आपसे पूछेगा, वो आपने इसको बता देना है। और कोई वो फिर कोई ऐसा बंदा ढूंढेगा जिस जो बैंक से एयरटेल में लेना चाहता है और आप एयरटेल से बैंक में लेना चाहते हैं, इसलिए आप दोनों को वो एक तरह का पीयर मैच करके आपको दे देता है। तो वो आपको वो इधर से लाइक बैंक में आपको सेंड कर देंगे, और आप इधर से एयरटेल से उसको डॉलर सेंड कर देंगे। आपको नीचे कन्फर्म का बटन आता है कि आपको पेमेंट रिसीव हो चुकी है, तो आप उसको कहेंगे जी हो चुकी है। अगर नहीं हुई तो आप उसको कन्फर्म ना करें, अगर हो चुकी है तो आप उसको कन्फर्म कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे, मैं वैसे एक तरह की वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप ऐसा करेंगे कि आपको बैंक में रिसीव हो गई है पेमेंट और आप इधर से इसको कन्फर्म नहीं करते, हालांकि आपको इधर से पेमेंट रिसीव हो चुकी है, तो मैं आपको पहले बता दूँ कि वो जो दूसरा लाइक आपका पेयर है, वो उसको आपको लाइक एयरटेल को वो दे सकता है ट्रांजेक्शन आईडी की। देखें जी मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है और इसने मुझे नहीं की, तो इस ऐसी सूरत में एयरटेल आपका अकाउंट बैन कर सकता है। तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आप इस वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख लें, अगर आपको समझ नहीं आई तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने ईमानदारी से इधर से काम करना है और ईमानदारी से अपनी पेमेंट रिसीव करनी है और सेंड करनी है। तो इस तरह आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो इसकी थोड़ी बहुत भी लाइक थोड़ी बहुत इसकी फ़ीस होगी 2%, तो वो ये काटेगा। तो अगर आपको सिक्योर तरीके से पेमेंट रिसीव हो जाएँ, तो अगर आपके $5 लग भी जाते हैं तो उसकी खैर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।